Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूं. This is a new day. और ये एक नया दिन है. And we thank God for this day. God has given us in His faithfulness and love. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए क्योंकि परमेश्वर ने ये नया दिन अपनी विश्वास योग्यता और प्रेम में हमें दिया है. So as we spend just a few minutes in the presence of God to hear His voice and then begin our day's activity. और इसलिए जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि हम इस दिन की शुरुआत करें और इसके कार्यों में व्यस्त हो जाएं कि कुछ क्षण लेकर हम परमेश्वर की वाणी से सुने. Today's scripture verse is found in the Gospel according to St. John chapter 15 verse 5. और आज का हमारा वचन मनन के लिए हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 5वां वचन. You know, the whole chapter is the discourse of Jesus or His teaching. और आपको पता हो तो ये पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विषय में है. Verse 5 says, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. और पांचवे वचन में 15वें अध्याय के इस प्रकार लिखा है, मैं दाख लगता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. Jesus says, and it is not only because he said, it is also true, without the vine, the branch can do nothing. और याद रखिए जिस प्रकार यीशु कहता है ये सच है कि बिना दाखलता के डाली कुछ भी नहीं है. Consider a relationship between the vine and the branch. और आप उदाहरण के तौर पर देखिए वो रिश्ता जो एक डाली और दाखलता के बीच होता है. The branch actually owes to the vine three things. और जो डाली है वो दाखलता के प्रति उसे कुछ देना है या उधार के उधार प्रति स्वरूप है. Number one, पहली बात, the branch owes the vine its place in the vineyard. और इसलिए वो डाली को देखना है कि उसका स्थान उस बगीचे में इसीलिए है क्योंकि वो दाखलता वहां मौजूद है. And secondly, दूसरी बात, its life also the branch owes to the vine. और उस डाली का जीवन भी उस वृक्ष के या उस दाखलता के ऊपर निर्भर है. And thirdly, और तीसरी बात, its fruitfulness. उसका फलवंत होना. A branch owes its fruitfulness to the vine. और एक डाली का फलवंत होना भी एक दाखलता पर निर्भर है. And so Jesus says, और इसलिए यीशु कहता है, He is the vine, कि वो दाखलता है, and we are the branches. और हम डालियां हैं. And that means, without me, you can do nothing. और इसका मतलब है उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. The believer can be pleasing to the Lord God only in those things he does through the power of Christ dwelling in him. और एक विश्वासी तभी जयवंत और सामर्थी हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और उसका उपस्थिति उसके भीतर निवास करे. So the relationship between a branch and the vine is one of abiding. और इसलिए एक डाली और दाखलता के बीच जो रिश्ता है वो एक दूसरे या वो डाली उस दाखलता में बनी रहे. The daily inflowing of the life-giving sap of the Holy Spirit is his only power to bring forth fruit. और याद रखिए वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रतिदिन हमारा हमारे भीतर रहकर हमारी सहायता करती है कि हम फलवंत होने पाएं. So that is the first thing. और ये वो पहली बात है. Fruitfulness. फलवंत होना. And the second thought is. और जो दूसरा विचार है. Without the branch, the vine also cannot do anything. और याद रखिए कि डाली के बिना दाखलता भी कुछ नहीं कर सकती. A vine without the branches cannot bring forth fruit. और याद रखिए एक दाखलता जिसके पास डालियां ना हो वो कभी फूल नहीं या फल नहीं ला सकती. Such is the wonderful condescension of the grace of Jesus. और ऐसा है एक अद्भुत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का. How much lower do you want God to descend? और कितना नीचे आप चाहते हैं कि परमेश्वर उतर आए.
Let this thought sink into your mind. और होने दे ये विचार आपके मनों में डूबने पाए और मनों में उधारने पाए. And sink into your heart. और आपके हृदयों में उतर जाए. Jesus, our Lord, has made himself dependent on his followers. और यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, उसने खुद को निर्भर कर दिया है. वो निर्भर है अपने अनुयायियों के ऊपर. It is not that Jesus as God cannot do otherwise. और याद रखिए, ये यीशु नहीं है जो परमेश्वर होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता. You know, he just have to think, let the fruit be there and it will be there. और उसे तो सिर्फ इतना सोचना ही है कि फल वहाँ पर हो और फल आ जाएंगे. But then he related himself with humanity. लेकिन फिर भी उसने खुद को मानवता के संग ऐसे रिश्ता दिखाया. In his condescension. और उसके अनुग्रह में. He made himself the vine and he made us his followers as his branches. तो इसने अपने आप को खुद दाखलता और हमें जो उसके विश्वासी और अनुयायी हैं डालियां बनाया. And without his disciples, he cannot dispense his blessings to the world. और अपने चेलों के बिना वो अपनी आशीषों को इस संसार के ऊपर नहीं दे सकता. All the blessings he has for humanity. और जितनी सारी आशीषें मानवता के लिए उसके पास हैं. Grace to be saved. और वो अनुग्रह है जो उसके पास है तू बचाने के लिए. Forgiveness. और वो क्षमा. And thus salvation. और उसके द्वारा वो उद्धार. And the eternal life. और अनंत जीवन. And peace with God. और परमेश्वर के संग वो शांति. And our relationship with others. और हमारा रिश्ता जो दूसरों के साथ है. When Christ's love is within us. और जब यीशु मसीह का वो प्रेम हमारे भीतर है. Even our relationship with others will be changed. तब हमारा रिश्ता दूसरों के साथ भी बदल जाएगा. And then fruitfulness. और वो फलवंत होना. That is usefulness in the kingdom of God. और ये है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उपयोगी बनना. For that he has given us the Holy Spirit. और उसके लिए उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया है. And his power. और उसका सामर्थ्य. His authority. उसका अधिकार. All these things he has released for our blessing. और ये सारी आशीषें उसने हमारे आशीष के लिए. And it is through his followers now these blessings flow into humanity. और ये तो उसके अनुयायियों के द्वारा ही है कि अब ये आशीषें संसार तक पहुंचती या बहती हैं. So he made himself so related to a follower of him that without a disciple, without his followers, he cannot dispense these blessings to humanity. और इसलिए वो अपने चेलों से इस प्रकार जुड़ गया कि इन आशीषों को वो बिना अपने चेलों के अनुयायियों के इस संसार में दे ही नहीं सकता. He cannot offer sinners the grape of his salvation. और वो पापियों को अपने अनुग्रह का मोक्ष या अपने मोक्ष का अनुग्रह नहीं पहुंचा सकता. The wine of his healing. और वो चंगाई की दाखलता. And his strength. और उसका शक्ति और सामर्थ. His comfort. और उसका सद्भावना. His presence. उसकी उपस्थिति. His love. उसका प्रेम. It is too amazing. ये तो बहुत ही अद्भुत है. That all these blessings flows to others from his disciples. और ये सारी आशीषें दूसरों से उसके चेलों के जीवन से दूसरों तक पहुंचती हैं. Because we become his branches as he becomes the vine. और क्योंकि हम उसकी डालियां बन जाते हैं जैसे वो हमारी दाखलता है. You just imagine. सिर्फ सोचिए. He who laid the foundations of the earth. और वो जिसने इस पृथ्वी की नींव को रखा. He who spread the skies and hung the stars in their places. और वो जिसने इस आसमान को और आकाश को बनाया और सितारों को उनके स्थानों पर रखा. And he who created the mighty mountains. और वो जिसने उस ऊंची ऊंची और सामर्थी चोटियों और पहाड़ों को बनाया. Hills and the valleys. और वो चोटियां और पहाड़. The glorious and marvelous seas. और वो महान और सामर्थी समुद्र. And the creatures within the sea. और समुद्र में पाए जाने वाले हर एक प्रकार के जीव जंतु. And he did all these creations without the assistance of anybody. और उसने इन सारी बातों को बिना किसी की मदद के किया. Because there was nobody there. क्योंकि ये किसी भी के लिए नहीं था. He didn't take any counsel from anybody. और उसने किसी से इसके लिए परामर्श नहीं लिया.
There was no advisor for him. और ऐसा कोई नहीं था कि उसे परामर्श दे. What to do, how to do, where these things must be placed. और कैसे करे, कहाँ करे और किस स्थान पर इन जगहों पर इन वस्तुओं को रखना है. He's a creator. ये तो सृष्टिकर्ता है. He's an all-wise God. और वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है. And he who is the very source and fountain of wisdom, knowledge and understanding. और वो जो स्रोत है, जो सोता है हर एक ज्ञान, हर एक समझ और हर एक आशीष का. Now stoop down. और अब वो नीचे उतर आया. And saved us. और उसने हमें बचा लिया. And by his own appointment. और उसके नियुक्ति के द्वारा. He says he cannot do it without you. और वो कहता है कि वो आपके बिना इसे नहीं कर सकता. See, dear friend, how much he value he placed on you. और देखिए मेरे मित्रों, कितना ज्यादा उसने मूल्य आपके ऊपर रखा है. You are important to him. और आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं. How about you? और आपके बारे में क्या कहें? How important God is to you. और कितना जरूरी या महत्वपूर्ण परमेश्वर आपके लिए है? Let us think about it. और आइए इस बारे में हम सोचें. I need you to dispense all my blessings to the sick. और परमेश्वर तो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी आशीषों को उन बीमारों तक पहुँचाओ. To the broken hearted. और वे जिनके हृदय आत्माएं टूटी हुई हैं. To the wounded life. और वो जो घाव खाए हुए हैं. Sick and weak. और वो जो बीमार और निर्बल हैं. To the vine, branches are indispensable. और याद रखिए, दाखलता बिना डालियों के लिए, उन डालियों को दाखलता से अलग किया ही नहीं And जा सकता. Jesus, और यीशु के लिए, his disciples are indispensable. याद रखिए, उसके चेलों को उससे अलग किया ही नहीं जा सकता. On this earth. और इस पृथ्वी पर. It is through them his fruit may be found. और ये तो उसी के द्वारा है कि वो फलवंत ठहरेंगे. And believers, meditate on it. और इसलिए विश्वासियों, आप इस पर मनन करें. Until you bow in worship before this God. और जब तक आप इस परमेश्वर के सम्मुख दंडवत नहीं हो जाते. Before this Savior and Master and Lord who joined you with Himself with such perfect unity. जिसने आपको ऐसी एक एकता में बांध रखा है, एक ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर. There are more that we need to know. और ऐसी कई और हैं जिन्हें हमें जानना है. So in our next meditation we will continue. और इसलिए अपने अगले मनन में शिक्षा को हम जारी रखेंगे. But for today, लेकिन आज के दिन के लिए, remember, याद रखिए, you are a channel of God's blessings, heaven's blessings to others. आप वो स्वर्गीय तरीका है या रास्ता है दूसरों के लिए एक आशीष का परमेश्वर की ओर. You are important. इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं. Depend on Him. उस पर निर्भर हो जाएं. And only His Holy Spirit. और उसकी पवित्र आत्मा को अनुमति दें. And you will be used of God. और आप परमेश्वर आपका प्रयोग करें. So we need the Holy Spirit. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता. Oh, blessed Holy Spirit. और इसलिए हे हमारे पवित्र आत्मा. We want to fulfill God's plan and purposes for our lives. हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप अपने उद्देश्य और योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरा करें. And without the Holy Spirit. और आपके पवित्र आत्मा के बिना. It cannot be done. ये नहीं हो सकता. So Lord, we come. और इसलिए परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं. Fill us all with the Holy Spirit. हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे. That we will experience that energy, that power, that authority from you, and we will faithfully. ताकि हम उस सामर्थ्य और शक्ति को तुझसे महसूस कर कर विश्वास योग्यता के संग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें. Thank you for the blessing. धन्यवाद प्रभु आशीषों के लिए. And making us a blessing. और हमें एक आशीष बनाने के लिए दूसरों के लिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.